हेलो गाइज, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि किसी वक्र की के अभिलंब का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है ये नवबोध मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 6.5 का जो पहला क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित वक्रों के अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब बिंदु 4-8 पर, और सेकेंड क्वेश्चन है 9x² माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 108 बिंदु 4-3 पर, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है y इक्वल टू 2x³ माइनस x² प्लस 3 बिंदु 1-4 पर। इन बिंदुओं पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है। हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो बेसिक थ्योरी क्या है अभिलंब का समीकरण का, सूत्र ये होता है वाई माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब हमें यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक्स वन और वाई वन की रिक्वायरमेंट है। तो एक्स वन वाई वन वह बिंदु है जहाँ पर हमें प्रवणता ज्ञात करनी होती है। तो जैसा कि क्वेश्चन हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, जब पहला सवाल करेंगे तो एक्स वन वाई वन ये रहेगा, दूसरा करें तो 4-3 रहेगा, और तीसरा करें तो 1-4 रहेगा। तो एक्स वन वाई वन हमें ज्ञात है। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये इसको हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पूर्व में आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना आ जाए। तो इस तरह से ये बेसिक थ्योरी है जिसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि हमें किस तरह से अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो आइए यहाँ पर हम आपको पहला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है जिसमें लिखा गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से दिया गया है। और इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है डी वाई बाय डी एक्स और एक्स वन वाई वन ये रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पर इसका डिफरेंशियल करेंगे तभी हमें डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा। तो देखिए वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2y और डी वाई बाई डी एक्स, इसी तरह से एक्स क्यूब का करेंगे तो ये क्या जाएगा 3x². इसके बाद में हम डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो 3x² अपन 2y, और उसके बाद यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जो होगा उसे निकालने के लिए हमें एक्स और वाई बिंदु चाहिए। तो एक्स और वाई बिंदु जो दिए गए हैं, तो पहले सवाल के लिए हमें बिंदु क्या दिया था, 4-8 दिया गया है। ये इस बिंदु इस ये इस एक्स और वाई के मान यहाँ पर हम लिख देंगे तो ये 4 का वर्ग और 2 गुणित वाई, मतलब कितना 8। तो यहाँ पर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, इसे यदि कैलकुलेट करते हैं तो ये 16 हो जाएगा, और 16 48 और बटे में यहाँ पे 8 दुनी 16, तो 16 48, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास आ जाएगा 3। अब हमारे अभिलंब का समीकरण जो है, अतः अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण निम्न होगा, क्या होगा जरा देखिए, y माइनस वाई वन माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाता है x माइनस एक्स वन। इसलिए एक्स वन वाई वन के स्थान पर, एक्स वन के स्थान पर 4 और वाई वन के स्थान पर 8, और डी वाई बाई डी एक्स का मान हम पहले निकाल चुके हैं 3। तो देखिए y माइनस वाई वन, वाई वन मीन्स क्या 8, और माइनस वन अपान डी वाई बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू क्या है 3, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है 4। अब इसको यदि हम सोल्व करें तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 3y और 3 × 8 = 24, और ये माइनस वन यहाँ बचा हुआ इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा। इस माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा और प्लस 3y है, और माइनस 24 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, और 4 ऑलरेडी है तो ये 28 हो जाएगा। तो इस तरह से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब की बिंदु 4-8 पर अभिलंब का समीकरण ये, तो यही अभिष्ट समीकरण है, ऐसा हम यहाँ पर लिख देंगे। आइए इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को हल कर लेते हैं।
तो दूसरे प्रश्न को आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है 9x² माइनस 4y² इक्वल टू 108, और आगे लिखा है बिंदु 4, 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता याद कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, ये लिख लिया मैंने 9x² माइनस 4y² इक्वल टू 108, और किस बिंदु पर, 4, 3 पर। हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये 9 × 2 = 18x हो जाएगा, और ये 4 × 2 = 8y, और y का dy/dx इक्वल टू 0। अब हम क्या कर देंगे, 18x बराबर माइनस 8y dy/dx उधर ले जाएंगे, तो ये 8y dy/dx उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब dy/dx को सेपरेट करेंगे तो dy/dx जो है वो हो जाएगा 18x बटे में 8y, और dy/dx को यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ से 9x/4y, क्योंकि 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये भी कट जाएगा। अब dy/dx हम यहाँ पर x और y के स्थान पर मान लिख देते हैं, x का मान क्या है 4 और y का मान कितना है 3। इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो dy/dx देखिए 4 से 4 कट जाएगा और 3 × 3 = 9, इट मीन से कैलकुलेट करने पर 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अतः अभिलंब का समीकरण निम्न होगा, क्या होगा आपको लिखना है पे, अतः अभिलंब का समीकरण निम्न होगा y − y1 और −1/dy/dx, और यहाँ लिखेंगे x − x1। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला पता होने पर ही हमें दिशा निर्देश मिलेगा कि सवाल को किस दिशा में ले जाना है, किस दिशा में हल करना है। यहाँ पर dy/dx का मान हमने क्यों निकाला, पहले ही निकाल रखा है, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से ही ये फार्मूला ये है, अभिलंब का हमें dy/dx ज़रूरत पड़ती है तो उसे पहले ही हमने निकाल लिया। साथ में x1 y1 वह बिंदु है जहाँ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना होता है, तो वो बिंदु क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आइए यहाँ पर उसको रख देते हैं y − y1 मीन्स ये 3 और x1 मीन्स क्या 4, तो यहाँ ये लिख दिया 3 − 1/dy/dx जो कि क्या है 3 है, और x − x1 कितना है 4 है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y और 3 × 3 = 9। अब ये −1 बचता है, इसको अंदर उधर x − 4 में मल्टीप्लाई करें तो −x + 4 हो जाएगा, −x को उधर लाएंगे तो +x हो जाएगा, x + 3y, और इस −9 को उधर ले जाएंगे तो पहले से प्लस का 4 है और −9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा तो 9 + 4 = 13 हो जाएगा। इस तरह से इस सेकेंड क्वेश्चन में जो अभिलंब का समीकरण पूछा गया था वो हमें ज्ञात हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा हुआ है, जिसमें 1, 4 पर हमें अभिलंब का समीकरण निकालना है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx, और 2x³ का डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा 6x², और x² करेंगे तो 2x, और +3 का डिफरेंशियल करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए ये ये जो प्राप्त हुआ है इसमें हम x के स्थान पर 1 लिख देते हैं, क्योंकि इसमें x ही आया है, यदि y आता तो वहाँ पे क्या लिख देते, 4 लिख देते हैं। तो देखिए dy/dx और 6 × 1² 2 × 1, तो ये कैलकुलेट करने पर क्या जाएगा, dy/dx 6 − 2, इट मीन्स dy/dx इक्वल टू कितना जाएगा 4, ये 4 आ गया है। अब अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे, अतः अभिलंब का समीकरण निम्न होगा, ये हमें लिखना है। अब y − y1 − 1/dy/dx एंड x − x1, ये बेसिक फार्मूला है जिसमें आपको केवल वैल्यू पुट अप करना है। x1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, x1 के स्थान पर 1 और y1 के स्थान पर 4, और जहाँ dy/dx है उसका मान हमने पहले ही निकाल रखा है 4। तो देखिए इसको यहाँ लिखते हैं y − y1 के स्थान पर हमने 4 लिख दिया,
माइनस वन अपान डी वाई वाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू 4 है, ये 4 लिख दिया, और एक्स माइनस एक्स वन के स्थान पर 1 लिख दिया। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे वाई माइनस 4 में, इस माइनस 1 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 4 वाई और 4 4 जा 16 और माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई माइनस एक्स और ये प्लस 1। अब क्या है, माइनस एक्स को उधर ले आएंगे तो एक्स प्लस का हो जाएगा प्लस 4 वाई, और ये माइनस 16 हो जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा, इस तरह से 16 प्लस का और प्लस 1 मिलकर 17। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो अभिलंब का समीकरण पूछा था वो हमने ज्ञात कर लिया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।